नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अल्टीमेट क्लासेस में। और आज हम बात करने जा रहे हैं कि बच्चे के साथ, मतलब ये देखिए कि आप एक बच्चे के साथ नहीं हुआ, बहुत सी सीटें ऐसे जांच हुई है। कहने का मतलब मेरा यही है कि अब ये कह सकते हैं कि मेरा तो बिल्कुल ऐसा हो गया है मन कि काफ़ी दिनों से मैं इसीलिए क्लासेस नहीं बना रहा हूँ। अब ये आज जो वीडियो डालने का मेरा जो मोटिव था, वो मेरा मोटिव ये है कि अभी जो फिटर सेकेंड ईयर का जो एग्ज़ाम हुआ है, बैक का एग्ज़ाम हुआ है, वो सेम पेपर आ गए हैं। यानी कि जैसा उन्होंने रेगुलर में दिया था, वही सेम क्वेश्चन पेपर जो है वो इस बार अभी दिया गया है, दो दिन पहले जो एग्ज़ाम हुआ है उसके अंदर। ठीक है दोस्तों, अब मैं बताता हूँ आपको कि किस तरीके से सीट जांच हुई है। आप प्रश्न पत्र को देखिए और आप उसके बाद में जो बच्चे ने ड्राइंग बनाई है उस ड्राइंग को देखिए। ठीक है, केवल पढ़ने वाले विद्यार्थियों की ही गलती नहीं है, कहीं ना कहीं ये जो अभी इंस्ट्रक्टर जो जांच कर रहे हैं, देखिए ये जो मामला मैं आपको बता रहा हूँ, ये राजस्थान के श्री गंगानगर ज़िले से है, नोडल केंद्र जहाँ पर उस बच्चे की सीट जांच हुई है। तो वो वहाँ श्री गंगानगर से नोडल केंद्र जो है वो वहाँ से जांच हुई है, और दोनों ही बच्चों की, दो तीन बच्चे जितने भी जिन्होंने भी ये ड्राइंग बनाई थी और जिनको भी बिल्कुल जीरो मार्क्स दे करके फेल कर दिया गया, जबकि उन बच्चों के कम से कम 60% 65% भी नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पासिंग मार्क्स तो उस ड्राइंग शीट में होने ही थे। दोस्तों बात करते हैं, देखिए स्टार्टिंग करता हूँ मैं। सबसे पहले क्या हुआ कि एग्ज़ाम हुआ बच्चे का, एग्ज़ाम होने के बाद जैसे ही बच्चे बाहर निकले तो उन्होंने अपना चेक किया कि क्या क्वेश्चन था, क्वेश्चन था उसके अकॉर्डिंग हमने ड्राइंग भी बनाई है कि नहीं है, तो उन्होंने ऐसी ड्राइंग बना करके आए बच्चे। ठीक है, बच्चा एकदम से बिल्कुल क्लियर था कि दिमाग में हाँ हम बिल्कुल सेकंड ईयर में पास हैं, इंटेलिजेंट स्टूडेंट था, फर्स्ट ईयर में अच्छे नंबर थे, सेकंड ईयर में भी उस बच्चे के, उसको उम्मीद थी कि हम इतना कुछ स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, इसी बेस पर किसी जानकार की वजह से उसने एक कंपनी में रिजल्ट आने से पहले ही, एक महीने पहले ही किसी कंपनी में जॉब जो है जानकारी के थ्रू उसको मिल गया कि एक महीने बाद हम हमारा मार्कशीट या जो रिजल्ट जो होगा उसकी जो मार्कशीट होगी वो आपको जमा करवा देंगे, तो इस बेस पर कंपनी ने उसे जॉब पर रख लिया। ठीक है दोस्तों, अब हुआ क्या कि जैसे ही रिजल्ट आने वाला था तो उन्होंने देखा कि रिजल्ट आएगा, मार्कशीट आएगी, हुआ ये कि रिजल्ट आया ना मार्कशीट आई, उसमें क्या लिखा हुआ आया, सप्लीमेंट्री इन इंजीनियरिंग ड्राइंग, बच्चे को फेल कर दिया गया, बच्चे को फेल कर दिया गया। तुरंत उसने बच्चे ने मेरे से कॉल किया, व्हाट्सअप किया कि सर मेरे साथ ये क्या हो गया, मैं तो कंपनी में जॉब करता हूँ और ये जॉब तो मेरी छूट जाएगी अगर मार्कशीट नहीं आती है तो। मैंने कहा भाई देखो ऐसा है कि कहीं ना कहीं कुछ गलती हुई होगी, तो हम अभी अपने पास ऑप्शन है, फिर जब जिन बच्चों को पढ़ाया गया था उनके पेरेंट्स का फ़ोन आने लगा कि सर देखिए आपके द्वारा पढ़ाए गए बच्चे और इस तरीके से फेल हो गए हैं कि उनके 10 से 12 नंबर इतने ही नंबर मिले हैं। मैंने कहा ठीक है जी, देखते हैं, क्या पता हमसे कुछ गलती हो गई हो। तो फिर हमने क्या किया, उस शीट को मंगवाया मेल के थ्रू, फॉर्म वॉर्म फिल किया कॉलेज से और शीट मंगवाई। जब शीटें मंगवाई तब हमें पता चला, खुलासा हुआ, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 5 से 7 बच्चों की जो सीटें अब तक मेरे पास आ चुकी हैं विद प्रूफ, मैं आपको दिखा रहा हूं दोस्तों। आप प्रश्न पत्र को पढ़िए, आप उसके आंसर शीट को देखिए, आपके कॉलेज में भी इंजीनियरिंग ड्राइंग के टीचर होंगे। अगर आपके कॉलेज में भी इंजीनियरिंग ड्राइंग के टीचर इस तरीके के हैं जिस तरीके से अब इन बच्चों की सीट जाँच हुई है, तो उनके पास ये सीट जाँच करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, देखिए होता क्या है, फिर हमने उस शीट को जांच करवाया अच्छे से अच्छे मास्टर ट्रेनर टीचर से, गोल्ड मेडलिस्ट, मैंने अपने ही गुरुजनों से बड़े टीचर से उस शीट को जांच करवाया। मैंने कहा सर कहीं ना कहीं हो सकता है कि मेरा एक्सपीरियंस 5 से 7 साल 10 साल का जो एक्सपीरियंस है वो कम हो सकता है, हो सकता है इस शीट में कुछ और बनाना हो, या मैं क्वेश्चन को नहीं समझ पा रहा हूँ, या बच्चे क्वेश्चन को नहीं समझ पाए हों, तो मैंने उसको ऊपर लेवल तक जाँच करवाई। तब सबने मुझे यही कहा कि बेटा ये आपकी जो सीट है ये बिल्कुल सही है, अगर मैं इस सीट को खुद जाँच करता हूँ, हर एक इंस्ट्रक्टर जो होते हैं सीनियर इंस्ट्रक्टर, उन्होंने यही कहा कि अगर मैं इस सीट को आज की डेट में इसे जांच करता हूं तो ये बच्चा कम से कम 50 से 60% प्राप्त करने का हकदार है, ये बिल्कुल नाइंसाफी हुई है। अब जो भी हुआ है उसकी अब हमने फिर उसके बाद में मैंने देखो उसके नोडल केंद्र से भी थोड़ा संपर्क करने का प्रयास किया, एक दो टीचर से बात की, उनके आसपास के टीचर से बात की। मैंने कहा इस तरीके से बच्चे को आपने फेल कर दिया है, या जिस किसी ने भी, अब पर्टिकुलर कॉपी किस टीचर के पास जाती है ये किसी को नहीं पता चलता। ठीक है, ये नोडल अधिकारी को पता होता है कि ये जो एक बंडल है ये पर्टिकुलर किसी टीचर के पास भेज रहे हैं, वो रोल नंबर से उसको ट्रेस कर सकता है, लेकिन ये सब बातें गोपनीय होती है, ये हमें नहीं बताई जाती है, हम अपने उसको हम नहीं पूछ सकते हैं। तो जब मैंने किसी अन्य टीचरों से बात की तो बहुत से टीचरों ने मेरे को क्या रिस्पॉन्स दिया, कुछ ऐसे टीचर जो फिटर वालों को पढ़ाते हैं या इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से किया हुआ है और वो इंजीनियरिंग ड्राइंग वहाँ कहीं कॉलेजों में गेस्ट फैकल्टी है, या कोई पुराना एक्सपीरियंस होल्डर है ट्रैक्टर मैकेनिक वेल्डर से, आज
15-15, 20-20 साल से जो पढ़ा रहे हैं, उन्होंने भी मुझे यही कहा, बेटा ये आपकी ड्राइंग गलत है। मैंने कहा सर ये किस तरीके से गलत है, आप वेरीफाई कीजिए, आप बना करके दिखाइए ये ड्राइंग फिर कैसे बनेगी। तो कोई जवाब नहीं आ रहा है उनका। बोले कि नहीं ये तो असेंबल करना था ड्राइंग को, असेंबली ड्राइंग का एक टॉपिक था, आप शीट को देख रहे होंगे और उसके अंदर आपने स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको आप आराम से चेक कीजिए, असेंबली का था। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया गया था कि ड्रॉ द फ्रंट व्यू टॉप व्यू ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट, यानी जो दिया गया था उसी को सेम रीड्रॉ करना था। खाली उसमें क्या था कि जो आपको डायमीटर दिया गया, जैसे इसकी इसकी जो विड्थ है वो 1.5D दे रखी है या 2D दे रखी है, तो इसमें जो डायमेंशन डी का जो वैल्यू था, वो डी की वैल्यू इसमें जो भी इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर दी हुई है वो पुट करके और एक जो पर्टिकुलर वैल्यू निकल आएगी उसके अकॉर्डिंग आपको लाइन वर्क करना था और ये डायग्राम सेम रीड्रॉ करना था। अब जांच करने वाला ये नहीं समझ पाया। उसी एवज में ये देखिए कि काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि सेम ड्राइंग बना करके आए हैं और वो बिल्कुल पास है। हो सकता है उनकी जो कॉपियां हैं वो जांच और ड्राइंग शीट जो है वो किसी अन्य दूसरे टीचर के पास गई हो। तो कहीं ना कहीं इस बच्चे के साथ, यानी कि एक साल तो वो चला गया इसका ड्राइंग में बैक हो गई उस वजह से पूरे साल तक। अब दोबारा जब साल ये जो शुरू हुआ, अब कोरोना काल की वजह से ये इतना लेट एग्जाम हुआ है, ठीक है ना, तो इसका जब रिजल्ट आएगा तो अब कब तक आएगा, मार्च अप्रैल तक आएगा। तो दोस्तों इस तरीके से देखिए कि इतनी गड़बड़ जो है वो चल रही है। तो चाहे कोई भी सरकार है, आप चाहे किसी भी स्टेट से हैं, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, मेरा कहने का मतलब नोडल अधिकारी हो या आप गवर्नमेंट आईटीआई के प्रिंसिपल हैं या आप गवर्नमेंट आईटीआई के अंदर ट्रेनिंग ऑफिसर हैं, आप किसी भी टीचर को अपॉइंट कर रहे हैं या किसी भी टीचर को आप जो भी ड्राइंग शीट है या अन्य कोई भी कॉपियां हो अगर वो जांच करने के लिए भेज रहे हैं, तो आप पहले उसकी क्वालिटी को खुद चेक कीजिए कि हाँ ठीक है, क्या इसमें ये एबिलिटी है कि नहीं है। अगर उस टीचर की गलती से एक बच्चे को अपने लाइफ के 2 साल बिल्कुल ख़राब हो रहे हैं तो वो चीज़ें देखने वाली हैं, ठीक है ना। मेरा आपसे नम्र निवेदन है, मेरा आपसे कोई गुस्सा नहीं है कि मैं किसी उसके अंदर हूँ। आज अब ये जो आपको मैं अवगत कराना चाहता हूँ वीडियो के माध्यम से, ये इसीलिए अवगत कराना चाहता हूँ क्योंकि जो पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ था और जो क्वेश्चन पेपर हुआ था वही सेम क्वेश्चन पेपर अभी रिपीट हुआ है बैक के एग्ज़ाम में। तो कहीं ऐसा ना हो कि बच्चों को आपने जो अभी जो शीट जिस टीचर ने भी जांच की है, कहीं वो दोबारा ही अपनी मनसा बना करके उसी तरीके से बैठा हो और पेन को गोल गोल घुमा दिया जाए और बच्चे का जो आप करियर जो है या बच्चे डिप्रेशन में आ रहे हैं, तो ऐसा ना हो। इसीलिए मैं आपसे ये और जितने भी ट्रेनिज इस वीडियो को देख रहे हैं उन ट्रेनिज से मेरा एक निवेदन ये है कि ये वीडियो उन टीचर्स तक पहुंचनी चाहिए, यानी जो आपको टीचर्स पढ़ा रहे हैं उन्हें तो आप बताएं ही बताएं, उन्हें ये प्रश्न पत्र दिखाएं, क्वेश्चन पेपर जो आया हुआ है वो दिखाएं और जो ड्राइंग शीट बच्चे ने बनाई है वो भी चेक करवाइए आप। मैं ये नहीं कहता कि बच्चे का 100% डायग्राम सही है, मैं ये भी नहीं कहता कि बच्चे का 75% सही है, मैं ये कहता हूँ कि बच्चे को जितने पासिंग मार्क्स चाहिए थे वो इस शीट में मिल सकते थे, वो इस शीट में वो इन्विजिलेटर या जो चेक करता है जाँच करता अधिकारी जो भी है वो उसको इतने नंबर दे सकता था। और हैं बच्चे लायक हैं, एक नहीं 2 शीटें 3 शीटों के मैं एग्जाम्पल आपको भेज रहा हूँ, ठीक है ना। तो दोस्तों अगर आप इस वीडियो को अपने टीचर्स के साथ साथ अगर गवर्नमेंट कॉलेज जहां आपका नोडल है, जहां भी आपकी ड्राइंग शीटें जांच होती है, उस नोडल अधिकारी तक भी अगर आप इस वीडियो को पहुंचाते हैं तो कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट आपको भी देखने को मिलेगा। हो सकता है कि हमने इन सीटों को फॉर्म फिल करके मंगवा लिया, आप भी ड्राइंग के एग्जाम में बैठे होंगे और आपने भी एग्जाम दिया होगा और हो सकता है आपकी भी बैक आ गई हो, या हो सकता है आप अग्रिम एग्जाम में जब आप बैठ रहे हैं तो हो सकता है कि आपके साथ ऐसी गलती हो जाए। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि हमें किसी को परफेक्ट नहीं बनाना है, लेकिन हमें जो टीचर्स जांच कर रहे हैं उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये डालना है कि आप एक बार जो क्वेश्चन आया है उस क्वेश्चन को आप भी खुद भी भली भांति देख लीजिए और गवर्नमेंट किसी भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट से मेरा निवेदन है कि अगर आपको स्किल इंडिया चाहिए या कौशल के मामले में अगर आप इतनी प्रगति या प्रोसेस कर रहे हैं तो सबसे पहला मेरा निवेदन आपसे यही है कि टीचर जो भी इंस्ट्रक्टर वहां पढ़ा रहा है उसकी क्वालिटी को आप चेक करके ही उसे जॉब दीजिए, ना कि आप डायरेक्ट किसी को जॉब दे रहे हैं कि ठीक है आपने डिप्लोमा किया है, हाँ जी ठीक है आपने बीटेक किया है तो आप आ जाइए। आप डायरेक्ट किसी को जॉब मत दीजिए, उसको आप एक पर्टिकुलर तरीका बनाइए। जैसे कि अभी निम्मी ने JC और JVC के एग्ज़ाम जो करवाए हैं उसमें एक एग्ज़ाम लिया जा रहा है, आप संविदाकर्मी रखिए कोई दिक्कत नहीं है, गवर्नमेंट जॉब मत निकालिए। अगर आप गवर्नमेंट जॉब निकालते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं भी निकालते संविदाकर्मी भी लेते हैं तो
कोई दिक्कत नहीं है। आप सैलरी का जो आपका जो है तरीका वो भी हमें ठीक है, पसंद है कि आप अच्छी सैलरी दीजिए, गवर्नमेंट इंस्पेक्टर के बराबर उसे सैलरी दीजिए, लेकिन जो इंस्पेक्टर रख रहे हैं उसे जांच कीजिए, एक एग्ज़ाम लीजिए, उसका प्रैक्टिकल करवा करके। अब आप ड्राइंग का टीचर रख रहे हैं और खाली ये देख रहे हैं कि क्या हाँ इसके पास डिप्लोमा किया हुआ है, हाँ जी डिप्लोमा किया हुआ है तो इसको रख लीजिए, या किसी जान पहचान वाले का फ़ोन आ गया, ठीक है प्रिंसिपल के पास ये हमारा जानकार है, डिप्लोमा इसने मैकेनिकल में किया हुआ है, बीटेक इसने मैकेनिकल में किया हुआ है, तो इसको जॉब दे दीजिए। ऐसा मत कीजिए, ऐसा करने से क्या होगा कि जो बच्चे आपके यहाँ स्किल लेने आए हैं उनको परफेक्ट स्किल नहीं मिल पाएगा, ठीक है ना दोस्तों। हैव ए नाइस डे फ्रॉम माय साइड, आज के लिए इतना ही है दोस्तों, और वीडियो को इतना शेयर ज़रूर कीजिएगा, इतना क्या मैं तो कहता हूँ कि उसको इतना ज़्यादा शेयर कीजिएगा कि ये वीडियो हर उस अधिकारी तक पहुँच जाए, मैं तो ये कहता हूँ इसको डीजीटी तक भी अगर आप पहुँचा दें तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अगर कोई भी किसी को भी इस क्वेश्चन और इस आंसर के रिगार्डिंग अगर किसी को भी कुछ भी डाउट हो तो आप मेरी मेल आईडी पर मुझे मेल कर सकते हैं। अगर आपको अभी भी लगता है या जिस टीचर ने ये सीट जांच की है, बड़े भाई अगर आप तक भी ये मेरा वीडियो पहुंच जाता है और आप अगर इस मामले में मेरे साथ कुछ बहस करना चाहते हो तो आप मेरी मेल आईडी पर मेल कीजिए, मैं आपको अपने व्हाट्सअप नंबर दूंगा और उसके बाद मैं आपसे मिलने भी आऊँगा। आप अपना एड्रेस मुझे मेल सेंड कीजिए और फिर बात करते हैं बैठ करके कि आप सही है या ये बच्चा सही है या पढ़ाने वाले टीचर सही है कौन गलत है। हो सकता है आपसे भी गलती हो गई हो, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये गलती अब दोबारा ना हो, क्योंकि इस बार भी जो पेपर हुआ है, बैक का जो एग्ज़ाम हुआ है वो सेम एग्ज़ाम हुआ है, सेम पेपर डिट्टो वही का वही क्वेश्चन पेपर दोबारा आ गए हैं।